क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो ये है log x की पावर x प्लस x की पावर log x। तो इसे हम अपने कॉपी में लिख लेते हैं। तो इसे हमने अपने कॉपी में लिख लिया। तो पहला क्या करते हैं, हम इसे इस फलन को y के बराबर मान लेते हैं। और फिर एक काम करते हैं कि इसको जो है, अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, इसकी पावर ये है प्लस इसकी पावर ये है, ऐसे ही कई फलन हो, तो उनको हम u और v या w में तोड़ लेते हैं। इसमें दो है इसलिए u और v में तोड़े हैं। तो u बराबर मान लेते हैं, u बराबर log x की पावर x ये फलन, और v बराबर ये फलन है। और तब क्या हो जाएगा, तब हम लिख सकते हैं u बरा y बराबर u प्लस v। तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx। तो अब हम पहले u को लेकर हल करेंगे। तो u बराबर हमने लिख लिया है, और अब हम दोनों पक्षों में लेंगे log। तो ये हो जाएगा log u बराबर, देखिए ये log x की पावर x है, तो जो पावर में है वो पहले चली आएगी, हो जाएगा log log x। तो अब हम इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log u का हो जाएगा 1 अपान u, और u का हो जाएगा du अपान dx। और बराबर देखिए, इसे मान लेते हैं प्रथम फलन और इसे मान लेते हैं सेकंड फलन। तो सूत्र होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन। द्वितीय का अवकलन log है, तो log का हो जाता है 1 अपान, जो रहेगा log x। देखिए हमने इसका अवकलन किया, हमने एक बार log और log x का अवकलन किया, अब हम इस log x का करेंगे अवकलन, डी डी एक्स log x। और फिर प्लस द्वितीय फलन, द्वितीय फलन क्या है, log log x है। और प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन हो जाएगा 1, क्योंकि x के सापेक्ष x का अवकलन 1 ही रहेगा। तब ये हो जाएगा 1 अपान u बराबर u इंटू डी यू डी एक्स बराबर, देखिए ये है x इंटू 1 अपान log x इंटू, देखिए log x का हो जाएगा 1 अपान x, क्योंकि कोई भी log हो उसका 1 बटे में जो रहेगा वह लिख दिया जाता है। और फिर प्लस ये हो जाएगा log log x, एक से गुणा होगा तो वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर x है और ये x है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा du बराबर du dx बराबर, इधर देखिए 1 बटे u गुणे में, उधर जाएगा भाग करेगा, भाग करेगा तो ये हो जाएगा u बटे 1 हो जाएगा। तो इसे सामान्यतः u लिख दिया गया, और u इंटू 1 अपान log x प्लस log log x। ध्यान दें यहाँ पर बड़ा ब्रेकट है, सब में u कॉमन है ना, इसी। तो हमने du इतना लिख लिया है, तो अब हम इसमें u का मान रख देंगे। तो u बराबर हमने माना था, तो हमने u बराबर माना था log x की पावर x, और इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हम निकालेंगे v बराबर, हमने जब log लिया तो ये हमें प्राप्त हुआ। तो देखिए ये हो जाएगा log v बराबर, देखिए एक फलन ये है एक फलन ये है, देखिए दोनों सेम है। तो कोई भी फलन जब 1 a गुणे a है, तो देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक इधर है एक यहाँ है, तो 1+1 ये हो जाएगा a की पावर वर a की पावर 2। उसी प्रकार ये भी है log x है और इंटू log x है, इसकी पावर एक, इसकी पावर एक यहाँ हो जाएगी 2। अब हम कर देंगे इसे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका हो जाएगा 1 अपान v इंटू डी वी बटे डी एक्स बराबर 2 log x। अब देखिए एक बार इसके पावर का हुआ, अब इसका log x का होगा, log x का होगा 1 अपान x। तो ये होगा 1 अपान v इंटू डी वी डी एक्स बराबर 2 log x बटे x। तो अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा डी वी डी एक्स बराबर वी टू लॉग एक्स
बटे यक्स। देखिए वी हमने क्या माना था, वी बराबर हमने माना था, वी बराबर हमने माना था यक्स की पावर लॉग यक्स, तो यही यहाँ पर रख देंगे। तो डी वी डी एक्स बराबर यक्स की पावर लॉग यक्स और इनटू टू लॉग यक्स बटे यक्स। सॉरी यहाँ पर हम यक्स लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पर यक्स है। देखिए हमने यहाँ पर निकाला था, देखिए यहाँ पर निकाला था और यहाँ पर भूल गए थे तो लिख दिया अभी। तो अब ये देखिए यक्स की पावर लॉग एक्स इंटू टू लॉग एक्स है। तो अब देखिए डी वाई डी एक्स, देखिए यहाँ पर मान लीजिए लॉग एक्स और लॉग एक्स गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो ये लॉग एक्स की पावर, देखिए यक्स माइनस वन हो जाएगा, यक्स माइनस वन जुड़ती तो हैं लेकिन ये है क्या, ये है मान ली ए की पावर यक्स, सपोज दैट ये ए की पावर यक्स इंटू ए की पावर माइनस एक है। तो यक्स प्लस, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए यक्स प्लस और माइनस एक का मतलब होता है यक्स माइनस एक ही, तो वही यहाँ पर किया गया है, वन प्लस लॉग यक्स इंटू लॉग फिर इंटू लॉग यक्स है, ये इसी का लॉग यक्स है इसी साथ है प्लस। देखिए यहाँ पर है यक्स की पावर लॉग यक्स इंटू टू लॉग यक्स बटे यक्स, तो इसमें से जब हम यक्स की पावर लॉग यक्स इंटू वन अपान यक्स कामन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा टू लॉग यक्स बटे, कुछ नहीं बचेगा, जब हमने एक बटे यक्स कामन ले लिया तो यहाँ से एक्स भी चला आएगा और ऊपर से एक, एक से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो इसे जब हम दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर, ये यहाँ तक ऐसे ही लिख लिया जाएगा, ये हो जाएगा लॉग यक्स की पावर यक्स माइनस वन, वन प्लस लॉग यक्स इंटू लॉग लॉग यक्स प्लस यक्स की पावर। देखिए अब देखिए इसे हम समझते हैं, तो इसे समझने के लिए ये लिखा है यक्स की पावर लॉग यक्स इंटू एक बटे यक्स, तो देखिए ये है यक्स की पावर है, ध्यान दीजिएगा ये यक्स की पावर है लॉग यक्स इंटू, अब देखिए अगर एक बटे यक्स है तो इसे क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था इसे यक्स की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, तो इसे भी हम लिख देंगे यक्स की पावर माइनस वन। अब देखिए इसका पावर है लॉग यक्स, इसका पावर है माइनस वन, तो गुणा में घाते जुड़ती हैं। सॉरी कैमरा अनस्टेबल हो गया, तो ये गुणा में घाते जुड़ती हैं तो ये हो जाएगा यक्स की पावर लॉग यक्स इंटू यक्स की पावर माइनस वन, तो ये देखिए गुणा में घाते जुड़ती हैं तो हो जाएगा यक्स की पावर लॉग यक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि देखिए जुड़ रही हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं इसलिए जुड़ रही हैं, लेकिन चिन्ह के साथ जुड़ेंगी, यहाँ पर माइनस वन है इसलिए माइनस वन हो गया। तो अब इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा यक्स की पावर लॉग यक्स माइनस वन, तो इसे इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यक्स की पावर लॉग यक्स माइनस वन। तो जो हमने वहाँ पर समझा वही हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग यक्स की पावर लॉग यक्स माइनस वन ये हो जाएगा, और यह है इंटू टू लॉग यक्स, या तो टू को हम टू यक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फाइनली यही हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे।